और अब जान लीजिए दौसा का हाल क्या है। दौसा में बारिश ने पहले देरी करके किसानों की मेहनत बर्बाद की और अब अचानक छाई बदरा से हुई बरसात के चलते एक बार फिर से उनकी मेहनत पर पानी फिरता हुआ नजर आ रहा है। तस्वीरें इसकी वानगी है। अचानक हुई बरसात से कृषि मंडी में किसान साधनों के अभाव के चलते अपनी फसल भी नहीं बचा सके। ऐसे में किसानों की पूरी मेहनत खराब हो गई। वीडियो में ये साफ तौर पर नजर आ रहा है कि कैसे पूरी फसल पानी की वजह से भीगने से खराब हो रही है। तो प्रशासन पर भी सवाल उठ रहे हैं, बारिश ने किसानों की मेहनत बर्बाद कर दी। तो एक तरफ जहां किसान कह रहे हैं कि फसल चौपट हो रही है इस रूप में क्योंकि सूख रही है फसल, दूसरी तरफ बारिश ने यहां किसानों की मेहनत पर पानी फेर दिया। तस्वीरें इस बात की तस्दीक कर रही है कैसे किसानों की जो फसल है, जो अनाज है, वो पूरी तरह भीग गया और ख़राब हो गया। क्योंकि यहाँ बरसात के चलते पानी भर गया और जो अनाज था, आप देख पाएंगे तस्वीरों में, शायद गेहूं ही है ये तस्वीरों में जो नज़र आ रहा है मुझे, और पूरी तरह बरसात के पानी में ये अनाज भीग गया और बर्बाद हो गया। तो मौसम विभाग ने आपको जानकारी हम लगातार दे रहे हैं कि 11 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। हम तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं। पहले आपने तस्वीरें देखी थी किस तरीके से राजस्थान में बारिश लगातार हो रही है और ये कहा गया है। सहयोगी रितेश का मेरे को करना चाहूंगी ज्यादा जानकारी लिए, इस वक्त सीधा मेरे साथ धौलपुर से लाइव मौजूद है रितेश, क्योंकि मौसम विभाग ने 11 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है और ये कहा गया है कि आने वाले कुछ दिनों में मध्यम से भारी बारिश हो सकती है, और क्या जानकारी है? देखिए, जिस प्रकार से लगातार जो बारिश का दौर है वो जारी है, हालांकि कुछ दिनों पहले 4 दिन लगातार बारिश हुई थी, उसके बाद कल सुबह फिर बारिश हुई थी, लेकिन आज सुबह जैसे ही सुबह की शुरुआत हुई उसके बाद ही जो यहाँ का बारिश का दौर है वो तेज हवाओं के साथ और मेघ गर्जन के साथ यहाँ पर बारिश का दौर शुरू हुआ है। हालांकि अभी जो बारिश की स्थिति है वो अभी रुक चुकी है, अभी फिलहाल जो बारिश है, अभी बादल छाए हुए हैं लेकिन अभी जो बारिश है वो थम गई है। लेकिन अगर हम इस बारिश से होने वाले किसानों के लाभ की बात करें तो यहाँ पर किसानों की फसलों को काफी आराम मिल रहा है, काफी उनके लिए राहत भरी खबर है। क्योंकि अगर इस समय क्या है, अभी फसल की कटाई में थोड़ा समय है उनको पकने में, अगर ये कटाई के वक्त ये बारिश होती है तब यहाँ पर फसल खराबी की समस्या हो सकती थी। लेकिन वहीं अगर मानसून विभाग की बात करें तो मानसून विभाग ने 11 जिलों में अलर्ट जारी किया है जिसमें धौलपुर भी शामिल है और येलो अलर्ट पर है। यहाँ पर भारी बारिश होने की भी संभावना है और लगातार यहाँ पर जो भारी बारिश है वो देखने को मिल रही है। लगातार जब से मानसून सक्रिय हुआ है तब से ही बारिश का दौर जारी है। हम अगर पिछले साल की बात करें, इन दिनों मानसून के समय यहाँ पूरे धौलपुर जिले के अंदर बाढ़ के हालात बन गए थे, लेकिन इस साल जो है बारिश कम हुई है, इससे अभी जो बाढ़ के हालात है वो नहीं बने हैं। इसके लिए भी जो किसान हैं उनके लिए भी ये राहत भरी खबर है, क्योंकि जब बाढ़ आती है तो बाढ़ से यहाँ पर जो समस्या है वो काफी देखने को मिलती है, क्योंकि उनकी जो फसल है उनको उसमें काफी खराबा देखा गया था और बाढ़ से जो जनजीवन है अस्त व्यस्त हो जाता है। हालांकि जो सरकार है उसकी ओर से जो फसल बीमा योजना है वो भी शुरू की गई है, लेकिन अगर इस तरह का ही जो बारिश लगातार अत्यधिक होती है तो इससे जो फसल खराब होती है इससे किसान को लाखों रुपए का नुकसान होता है और किसान के लिए फसल ही उसका संपूर्ण जीवन यापन की जो आजीविका का साधन है वो है। अगर यहाँ पर लगातार जो बारिश है और बाढ़ के हालात बनते हैं तो उससे जो फसल है वो खराब हो सकती है और जो उसकी आजीविका का साधन है उस पर भी काफी असर देखने को मिलता है। जी, क्योंकि 11 जिलों के लिए अलर्ट जारी किया गया है रितेश, तो कब से बताया गया है कि कब से शुरू हो सकती है मध्यम से भारी बारिश, इसको लेकर क्या जानकारी है और ये कब तक सिलसिला जारी रहेगा? देखिए, बिल्कुल साफ तौर पर जो मानसून जो मौसम विभाग के अनुसार जो अलर्ट जारी किया है वो लगातार यहाँ पर देखने को मिल रहा है, क्योंकि जो जो येलो अलर्ट है उसके अंदर भारी बारिश की भी संभावना जताई जा रही है, लेकिन उसके दौरान 2 दिन से लगातार सुबह ही बारिश होती है लेकिन उसके बाद मौसम साफ दिखता है। लेकिन अभी आज सुबह बारिश हुई और उसके बाद जो आसमान है वो साफ दिखाई दे रहा है, हालांकि झुटपुट बादल छाए हुए हैं और अगर हम पूरे दिन भर की बात करें तो
फिलहाल संभावना जताई जा रही है कि बारिश हो सकती है, लेकिन हम यहाँ की जो बारिश की बात करें तो लगातार यहाँ पर काफी बारिश हो रही है, जिससे जो यहाँ के लोग हैं उनको काफी राहत महसूस की जा रही है। कुछ दिनों पहले पूरे धौलपुर जिले के अंदर जो भारी बारिश हुई थी उससे लोगों को काफी नुकसान हुआ था, जो जलभराव की समस्या है वो देखने को मिली थी शहर के अंदर। और अगर हम किसानों की बात करें तो उनके लिए अमृत बन करके बरस रही है, और वहीं शहरी लोगों की बात करें तो उनके लिए जो जल भराव की समस्या है वो पैदा हो जाती है, चाहे बारिश छोटी जो हल्की हो चाहे तेज बारिश हो, इन दोनों ही बारिशों में वहां जो जल भराव की स्थिति है उसकी पोल खुल जाती है, जो ड्रेनेज सिस्टम है वो पूरी तरह से बिगड़ा हुआ है, वहां के जो लोग हैं उनको काफी समस्या का सामना करना पड़ता है। यहाँ तक कि जो पिछले दिनों जो बारिश हुई थी आज तक बनी हुई है, जिससे लोग आज भी परेशान है जल भराव की स्थिति जी। ठीक है, शुक्रिया आपका रितेश हमारे साथ जुड़ने के लिए और मौसम से जुड़ी जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद।